ना तो चाशनी बनाने का टेंशन और ना बहुत ज़्यादा झंझट करने का टेंशन। तो आज चलिए बनाते हैं पेड़ा, जो कि बहुत ही ज़्यादा माउथ मेल्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। और इसमें कोई भी आपको चीनी की चाशनी नहीं बनानी है, तो तार का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब हम चाशनी वाला कोई मिठाई बनाते हैं ना, तो उसमें तार का बहुत ज़्यादा मतलब झंझट होता है और वो अक्सर ख़राब हो ही जाता है ज़्यादातर लोगों से। तो मैंने इसमें पहले तो डालने के लिए लिया है काजू एक मुट्ठी, जिसको मैंने पहले पीस लिया है। तो काजू को पीस करके साइड में रख लिया है, एक मुट्ठी काजू लिया है, यानी कि 15 से 20 काजू होंगे। और यहाँ पर ले लिया है एक कटोरी से थोड़ा सा कम घी है, आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है, और एक कटोरी बेसन ले लिया है। बेसन वही नॉर्मल बेसन है जो हम लोग अक्सर घर में यूज़ करते हैं, जैसे कि एक थोड़ा मोटा बेसन आता है और एक इस तरह का बिल्कुल बारीक। तो मैंने वही नॉर्मल वाला जो घर में था वही वाला इस्तेमाल किया है। और अब जला लिया है अपने गैस को, और बेसन को भूनते वक्त आपको अपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि और किसी चीज़ की आप मिठाई बना रहे हैं, जैसे कि सूजी का मिठाई बना रहे हैं, या फिर आप चावल के आटे का मिठाई बना रहे हैं, या फिर खोया, पनीर, मावा, तो आप थोड़ा बहुत कम भी भूनेंगे ना, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। लेकिन बेसन ऐसी चीज़ है कि इसको अगर अच्छी तरह नहीं भूनेंगे आप, तो थोड़ा सा भी कच्चा इसमें टेस्ट रह गया तो आपकी पूरी मिठाई ख़राब हो जाती है। और अगर आप इसे थोड़ा सा तेज़ फ्लेम पे भूनेंगे तो ये नीचे से तली में लग जाएगा और फिर भी आपकी मिठाई का स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो बेसन को मेन है भूनने का थोड़ा सा, कि उसे किस तरह भूना जाए, तो आपको इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है। तो बेसन भून गया है, और भून जाने के बाद में अब मैंने इसमें डाल लिया है काजू, जो हमने पीस करके रखा था ना वो काजू। फ्लेम बिल्कुल अभी भी लो है, और काजू डाल करके सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसमें चला लेती हूँ। 1 से 1.5 मिनट बाद मैं अपने गैस को बंद कर लेती हूँ, और क्योंकि अभी भी बेसन बहुत गर्म है और हमारा बर्तन भी गर्म है जिसमें हम भून रहे हैं, तो अभी भी आपको कंटिन्यू इसे चलाते रहना है। नहीं तो जैसे ही आप गैस बंद करके और बेसन को चलाना छोड़ देंगे, तब भी आपका बेसन नीचे से बिल्कुल लाल हो जाएगा। लाल हो जाएगा तो कलर भी थोड़ा ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी थोड़ा ख़राब हो जाएगा। गैस को मैंने बंद कर दिया है, और बंद करके डाल लिया है इलायची पाउडर, लेकिन अभी भी मैं इसे कंटिन्यू चला रही हूँ ताकि हमारा बेसन जले नहीं। और बहुत अच्छी बेसन भूनने की खुशबू आ रही है, इसका मतलब है कि आपका बेसन भून गया है। बस खुशबू से आपको पता लग जाएगा कि आपका बेसन बहुत अच्छी तरह भून गया है। और देखिए, ये कहीं से कलर इसका चेंज नहीं हुआ है, और कहीं से भी आपको ये तले में लगा हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि हमने इसे बिल्कुल कंटिन्यू चलाया है और एकदम लो फ्लेम पर भुना है। लो फ्लेम पे आप भूनेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसका टेस्ट और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टिप होती है जिससे कि हमारी मिठाई या फिर कोई भी रेसिपी थोड़े थोड़े चीज़ों से ही ख़राब हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारी कोई भी रेसिपी अच्छी बनकर तैयार होती है। तो अब इसमें डाल लिया है मैंने मिल्क पाउडर 4 चम्मच, और क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है तो चीनी मैंने थोड़ा कम डाला है, यानी कि मैंने आधी कटोरी चीनी डाला है, पीसी हुई चीनी है ये, और 4 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर डाला है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा हुआ था। तो आप इसमें मीठे में थोड़ा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, और अब डाल करके इसे चलाते रहना है। चीनी आपको तभी डालना है जब आप बेसन को ठंडा कर लें, तभी आपको चीनी डालना है, वरना आप गर्मा गर्म में डालेंगे ना तो फिर वही है कि जम सा जाता है थोड़ा, और जो भी मिठाई बनाएंगे वो थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो इसलिए बेसन जब आपका थोड़ा ठंडा हो जाए, हल्का हल्का गुनगुना रहेगा अगर, तो उससे कोई बात नहीं, लेकिन गर्मा गर्म बेसन में आपको चीनी नहीं डालना है।
अब इसे मिक्स करते हुए हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया है, और देख लेते हैं छू करके ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है, यानी कि बनाने लायक हो गया है हमारा। तो आज हम बना रहे हैं बेसन का और काजू का पेड़ा। तो बेसन काजू पेड़ा है ये। और चलिए इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं और पेड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आज इसे पेड़ा का शेप दिया है। तो बस इस तरह गोल गोल करके थोड़ा सा बीच में थंब से मैंने हल्का सा प्रेस कर दिया है। और आप चाहें तो छोटे छोटे बना लें, या आप चाहें तो थोड़ा सा मीडियम साइज़ का बना लें। तो ये देखिए बहुत आसानी से और आराम से ये बन जा रहा है। और अभी तो ये बिल्कुल, क्योंकि गर्मा गर्म है, यानी कि हल्का फुल्का भी गर्म है, तो अभी ये जब आप रख देंगे ना इसको 1 घंटे के लिए, तो ये थोड़ा सा अभी तो बिल्कुल सॉफ्ट नरम आपको लग रहा है, लेकिन जब आप रख देंगे तो थोड़ा सा ये टाइट हो जाएगा। तो ये ताज़ी ताज़ी जब आप खाते हैं ना ये पेड़ा, इतना ज़्यादा माउथ मेल्टिंग और इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इस समय बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो बहुत बनाने में आसान है, और घर में पड़े बेसन से मिल्क पाउडर होता है। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं भी डालेंगे तो भी आप इसे सिर्फ बेसन और काजू के पाउडर और चीनी से बना सकते हैं। आप चाहें तो काजू की जगह पे बादाम को पीस करके उसका पाउडर बना करके इसमें डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो थोड़ी सी मैंने गार्निश कर ली है पिस्ते से। तो आपको कैसी लगी मेरी ये मिठाई की रेसिपी? अगर आपको ये पेड़ा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और इस बार इस त्यौहार पे, किसी भी त्यौहार पे आप इसे अपने शामिल ज़रूर कीजिएगा, अपने व्रत में, अपने त्यौहारों पे। और ये देखिए हाथों से तोड़िए, बिल्कुल इतना सॉफ्ट और नरम हुआ है कि ये माउथ मेल्टिंग है, मुंह में डालते ही घुल जाने वाली मिठाई है। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा। तो मिलेंगे फिर अगली बार अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।